करियर जो है वो कलयुग के टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? इस युग में दो ही चीजें हैं, बुद्ध है और शुक्र है, राइट? बाकी सब जो है वो एसेसरीज हैं। 1-2% लोगों के जीवन में गुरु है, बाकी क्या है अपना फोकस, पैसे कमाओ, शादी करो, प्यार करो, मोहब्बत करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ, राइट? बाकी 2-2.5%, 1-2% लोग हैं जिनके जीवन में कुछ अध्यात्म है, कुछ ज्योतिष है, कुछ ध्यान है, कुछ जप है, तप है, बाकी खाओ पियो ऐश करो। तो करियर को जब ऋषि पारेषण ने लिखा या और भी ऋषियों ने जब लिखा, तो उस समय करियर के ऑप्शन हुआ करते थे 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, राइट? और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से करियर था, या आप बोलो कि उल्टा बोल रहा हूं मैं, करियर के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी, राइट? तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण का काम करता था, शूद्र का बच्चा शूद्र का काम करता था, वणिक का बच्चा वणिक का काम करता था। सो इट्स लाइक उस समय जब आज से त्रेता युग में या सतयुग में जब ज्योतिष की रचना की गई, उस समय करियर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड नहीं थी, क्योंकि तो लोगों के जीवन के अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष में से वो एक पिलर था। अब धर्म गायब है, मोक्ष गायब है, अब दो ही पिलर है, क्या है? अर्थ है और काम है, राइट? जिसमें कि कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेट करने वाला पिलर कौन सा है? काम। काम की वजह से अर्थ की भी ग्रीड आती है, राइट? इच्छा की वजह से ही, इच्छा होड़ ये वो सब की वजह से अर्थ का भी ग्रीड आती है। सो इसलिए नाउ एंड देन किसी किसी के जीवन में तो केवल अर्थ ही है, अब किसी किसी के जीवन में केवल काम ही है, राइट? और दो पिलर जो बाकी के जो आपके जीवन के पिलर है, धर्म और मोक्ष, वो ऑलमोस्ट खत्म है एक आम जनमानस के जीवन में। इसीलिए नाउ इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आज की डेट में लाखों करोड़ों, करोड़ों तो नहीं बड़ा, लाखों करियर ऑप्शन है ना। अब हमारी बेटी से पूछो हमने क्या करना है, ह्यूमैनिटीज करनी है। अब ये नया प्रपंच आ गया, ह्यूमैनिटीज करनी है। इससे पहले जब हम पढ़ते थे तो भैया अपना जो ज्यादा पढ़ने वाले लड़के थे वो विज्ञान लेते थे, जो ज्यादा पढ़ने वाली लड़कियां थी वो जूलॉजी लेती थी, जो बनियों के छोरे थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते थे, जो ठीक ठाक लड़के थे एवरेज जिनकी पर्सनैलिटी ठीक थी वो बीकॉम कर लेते थे, और जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे वो बीए करके फिर आईएएस बन जाते थे, है ना? बट उस समय तो बीए करते थे अपने कहीं से, और बाकी की लड़कियां पीजी डीसीए करके शादी की तैयारी करती थी, होम साइंस का कोर्स करके। नाउ इट हैज चेंज्ड, नाउ इट हैज चेंज्ड इनटू दिस ड्रास्टिक मैनर कि मुझसे 1-2 साल के बच्चों के कुंडलियां दिखाकर भी महिलाएं उनके करियर की पूछती हैं, और जो हमसे सिजेरियन बच्चे के लिए मुहूर्त लेने आते हैं वो पूछते हैं कि सर एक डॉक्टर की कुंडली अगर बन जाए ना, क्योंकि हॉस्पिटल बना हुआ है तो कौन देखेगा, नहीं तो ऐसा कोई टाइम दे जब डॉक्टर पैदा हो। सो जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से चेंज हो। सो एज ए ज्योतिषी दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग फील्ड, बिकॉज कि हमारे पास शास्त्र में थोड़ा कम इंडिकेशन, थोड़ा कम है, ब्रॉडर तो है ही, मैक्रो लेवल पे इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि इन 9 ग्रहों की कैटेगरी में नहीं आती, राइट? ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो इन 9 ग्रहों की कैटेगरी में हम नहीं कर सकते। बट सिंस करियर के अंदर अगर आप देखोगे तो ना केवल एक हाउस इन्वॉल्व होता है, कई हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा है जब आप करियर की बात करोगे, तो दशम स्थान, राइट? तो दशम स्थान का आप जो ब्रॉडर मतलब है, जो हम क्या देखते हैं वो हमारा कर्म है। बट जब आप ज्योतिष करते हो नॉर्मली तो आपको समझ में आता है कि इट इज मोर ऑफ ए प्रोफेशनल कर्म, ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन फॉर 10th हाउस, बिकॉज 10th हाउस इज आर ओवरऑल कर्म, राइट? इसलिए जब आप आयु निर्धारण करते हो किसी व्यक्ति का, तो आप 10th हाउस को उसमें प्रमुखता देते हो, क्योंकि जब तक क्या कहते हैं
जब तक बसंती के पैर चलेंगे तब तक इनकी सांस चलेगी, तो जब तक आपका कर्मा खत्म नहीं होगा तब तक ही आप रहोगे इस दुनिया में। जिस दिन कर्मा खत्म होगा 10th हाउस आप निकल लोगे पहली गाड़ी पकड़ो है। सो बट मेजरली हम चाहे घर में काम करते हो, हम चाहे विद्यार्थी रहते हो, हम चाहे प्रोफेशनली कुछ काम करते हो, 10th हाउस इज ऑलवेज एक्टिव राइट। सो व्हेन यू आस्क अ स्टूडेंट व्हाट डू यू डू, तो ही विल से आई एम अ स्टूडेंट राइट। सो ही इज लर्निंग फ्रॉम द 5th हाउस बट ही इज अगेन द कर्मा एट दैट मोमेंट ऑफ लाइफ इज इन द 10th हाउस ओनली। जैसे कि आपको आप किसी बच्चे से पूछते हो तो वो बोलता है कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझसे पूछोगे तो मैं बोलता हूँ कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक्स वाई हूँ। आपका डेजिग्नेशन चेंज होता जा रहा है, कुछ सालों बाद आप बोलोगे मैं रिटायर्ड हूँ, उस समय पर रिटायरमेंट का कर्म चल रहा होगा राइट। तो आज आपको जो टैग है वो है जो भी एक्स वाई जी है वो टैग है, उस समय पर रिटायरमेंट का होगा या किसी किसी का रिटायरमेंट हो गया होगा, किसी किसी का विद्यार्थी रहा होगा। तो जब आप करियर का आकलन करते हो किसी व्यक्ति का तो दो तरीके की चीजें होती है। नंबर एक कि क्या बनोगे मुन्ना, ये सबसे बड़ी बात है राइट। कि मम्मी कहती बनो डॉक्टर और पापा कहते अफसर, तो बनेगा क्या व्यक्ति, बनेगा क्या व्यक्ति मतलब जब आप जो कर्म करते हो उस कर्म से मिलने वाले धन से, उस कर्म से मिलने वाले धन से आपके सस्टेनेंस का गति होती है इस पृथ्वी पर। तो जो कर्म जिसको करके आपको पैसा मिलता है वो आपका प्रोफेशनल कर्म है, जिस कर्म को करके आपको पैसा नहीं मिलता है वो सेवा है राइट। सेवा करते हो जब आप गुरु के लिए तो भी आप अपना बॉडी से कर्म करते हो सकता है आप अपना ईमेल्स भी कर रहे हो, लोगों को फोन भी कर रहे हो, जागृति भी ला रहे हो लोगों के अंदर, बट यू आर नॉट पेड फॉर दिस, दैट्स व्हाई इट इज नॉट योर प्रोफेशनल कर्म। प्रोफेशनल कर्म इज व्हाट, दशम स्थान का धन है 11वें स्थान में, बट समटाइम इट इज ए पॉसिबिलिटी कि भाई दशम स्थान में तो ठीक है राहु है और 2nd हाउस में या 11th हाउस में कोई बहुत बलवान ग्रह, तो वो ये ग्रह कह सकता है ना कि भाई तेरा राहु अपने पास रख, मैं तो 11वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ हूं, तो मेरा तो रोल है इसको पैसे कमा के देने का, तो भाई मैं मेरे को तो देने दो। तो प्लेनेट सिटिंग इन द 2nd हाउस, प्लेनेट सिटिंग इन द 11th हाउस कैन ऑल्सो मेक अ कैन डू अ बिग रोल इन डिसाइडिंग द करियर।